आई वेलकम यू ऑल टू द रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट टू लेक्चर। इस लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, गेजेस, फॉर्मेशन विड्थ, एम्बैकमेंट, साइड स्लोप, स्लोप ऑफ ट्रेड ऑफ व्हील्स, कोनिंग ऑफ व्हील्स, एजिंग ऑफ स्लीपर्स। हम इन सभी टॉपिक्स पे जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं पहले वो देखेंगे, और फिर वहाँ से जो क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व करने के लिए हम सभी क्वेश्चन करेंगे। ये सभी पार्ट में पार्ट वन ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग में आपको बता चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द चॉइस ऑफ द गेज। इन जो गेज होती है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी गेज यूज करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, मतलब कि ट्रैफिक के वॉल्यूम, मतलब कि कितना ज्यादा ट्रैफिक है, और नेचर उस पर डिपेंड करता है। नेचर मीन्स पैसेंजर जा रहे हैं उसमें या मालवाहक गाड़ी है। स्पीड ऑफ ट्रेन पर डिपेंड करता है, या फिजिकल फीचर्स ऑफ कंट्री। तो इसका आंसर है आंसर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये जो गेज होती है, बेसिकली ये जो दो रेल्स हैं इनके जो अंदर का जो पॉइंट है उनके बीच की दूरी को गेज कहा जाता है, और ये डिपेंड करती है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही बड़ा हम गेज रखेंगे, जितना ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही गेज रखी जाएगी, और फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री मीन्स अगर प्लेन है तो वहां पर ब्रॉड गेज लगा सकते हैं, और मान लीजिए अगर वहां ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंस्ट्रेंट है, तो हम नॉर्मल नैरो गेज यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में नैरो गेज होती है जो बहुत स्मॉल ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आती है आपकी नैरो गेज का दूसरा वर्जन 762 mm मीटर गेज होती है। जो गेज होती है आपका, ये जो डिस्टेंस है ये 1000 mm मतलब 1 meter। फिर आती है स्टैंडर्ड गेज जो कि DMRC में यूज होती है। फिर आती है ब्रॉड गेज, जितनी भी हैवी पैसेंजर व्हीकल वाली ट्रेन होती है वो सभी ब्रॉड गेज पर चलती है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है फॉर डेवलपिंग थिनली पॉपुलेटेड एरियाज। थिनली पॉपुलेटेड एरिया का मतलब कि जहां पर वो इलाके जहां पर पॉपुलेशन थिन है, मतलब बहुत कम है, तो आप कौन सा गेज प्रेफर करेंगे। तो ब्रॉड गेज प्रेफर करेंगे, मीटर गेज, नैरो गेज, एनी ऑफ दिस। तो क्योंकि थिनली पॉपुलेटेड एरिया है, ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, इस वजह से ट्रैफिक कम होगा, तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे नैरो गेज को। आप देख सकते हैं ये छोटी जो ट्रेन है जितनी भी है ये सभी आपकी वहां पर इस्तेमाल होती है जहां पर पॉपुलेशन कम है। अब इसके बाद आती है द फॉर्मेशन विड्थ फॉर अ सिंगल लाइन मीटर गेज ट्रैक इन एम्बैकमेंट एज अडॉप्टेड इन इंडियन रेलवे। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इंडियन रेलवे के मुताबिक सिंगल लाइन मीटर गेज, मतलब कि मीटर गेज है और रेल की एक ही पटरी जा रही है, तो उसमें जो फॉर्मेशन विड्थ होती है उसकी चौड़ाई क्या होती है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फॉर्मेशन विड्थ का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए मैंने क्रॉस सेक्शन ऑफ रेल दिखा रखा है, तो यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेशन विड्थ, आप देख सकते हैं फॉर्मेशन विड्थ मैंने यहाँ पर दिखा रखी है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक चलती है। फॉर्मेशन का बेसिक मतलब होता है जो नेचुरल सबग्रेड है, मतलब कि जो नेचुरल मिट्टी है उसके ऊपर जो हम सबग्रेड लेयर से एक अच्छी कैटेगरी की सॉइल डालते हैं उसे फॉर्मेशन कहा जाता है। यहाँ पर इसका इसके ऊपर बैलास्ट होता है, इसके ऊपर स्लीपर रखे जाते हैं, और यहाँ पर रेल्स होती हैं, इस रेल के ऊपर आपके पहिए होते हैं। तो फॉर्मेशन बेसिकली बैलास्ट से नीचे और सबग्रेड से ऊपर लगाई जाती है। इसका काम होता है बैलास्ट को सपोर्ट देना, क्योंकि नेचुरल सबग्रेड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो बैलास्ट को सपोर्ट करे, इस वजह से फॉर्मेशन दिया जाता है। तो आपको याद रखना है फॉर्मेशन विड्थ कितनी हो गई आपकी 4.88 mm। और दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है फॉर्मेशन विड्थ किस पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली भाई फॉर्मेशन विड्थ के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसका मतलब जितना बड़ा गेज होगा फॉर्मेशन विड्थ उतनी बड़ी होगी। आपके रेलवे स्लीपर जितने बड़े होंगे उतनी ही बड़ी आपकी फॉर्मेशन विड्थ। इसी तरह से बैलास्ट क्वेश्चन आप जितना चौड़ा देंगे उसी वजह से आपको फॉर्मेशन विड्थ देनी पड़ेगी। इसके बाद इसके स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द साइड स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट फॉर अ रेलवे ट्रैक इज जनरली टेकन एज, मतलब कि जो रेलवे ट्रैक है उस पे यदि उसे एम्बैकमेंट मतलब भराई के ऊपर बनाया गया है, तो जो उसका साइड स्लोप होता है, मतलब उस भराई का या एम्बैकमेंट का जो ढाल दिया जाता है साइड में, वो कितना रखा जाता है। अब मैंने नीचे ये फिगर दे रखी है, इसमें से आपको ये बताना है कि एम्बैकमेंट क्या है। सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए, और दूसरी बात है जो साइड स्लोप है वो क्या है। ठीक है, अब इसमें इतने साइड स्लोप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा जो आपका पोर्शन हुआ इसे हम एम्बैकमेंट बोलेंगे। देखिए ये नीचे
नेचुरल ग्राउंड सरफेस हुई, मतलब कि आपकी नेचुरल सरफेस है, फिर उसके ऊपर आपने इतना एम्बैकमेंट का काम किया, मतलब इतनी यहाँ पे भराई की गई, और ये जो स्लोप दिया है ये कितना है, 2:1। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है और यही इसका आंसर है, सी 2:1 का स्लोप दिया जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो गेज है कैसी गेज है, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है, तो क्या आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आप गेज के लिए आप ये देखेंगे, ये जो रेल है इसके जो अंदर के हिस्से हैं इनके बीच की दूरी जो कि इन्होंने यहाँ पर दे रखी है 1.7 मीटर, इसका मतलब ये क्या हो गया, ब्रॉड गेज हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा है द फॉर्मेशन विड्थ फॉर अ डबल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक इन कटिंग एक्सक्लूडिंग ट्रेन्स एज कंस्ट्रक्टेड इन इंडियन रेलवे। अब ये कहता है कि इंडियन रेलवे के मुताबिक जो डबल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक है, मतलब डबल लाइन मतलब कि दो रेल की पटरी जा, मतलब दो रेल की पटरी जा रही है, एक ये और ये, इसे बोलते हैं डबल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक, मतलब के ये जो गेज है ये भी ब्रॉड गेज है और ये भी ब्रॉड गेज है, जिसकी जो डिस्टेंस होती है 1.7 मीटर होती है। तो ये पूछ रहा है फॉर्मेशन विड्थ, तो आपको ध्यान रखना फॉर्मेशन विड्थ इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखिए फॉर्मेशन विड्थ क्या होगी, फॉर्मेशन विड्थ होगी आपकी, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, याद कीजिए इसमें फॉर्मेशन क्या होता था, ये जो एम्बैकमेंट दिया हुआ है इसकी जो चौड़ाई होती है उसे हम फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर एक फॉर्मेशन विड्थ यहां से यहां तक हो जाएगी और दूसरी फॉर्मेशन विड्थ आपकी यहां से यहां तक हो जाएगी। तो देखिए इसकी कोई फॉर्मेशन विड्थ यहां पर बता रखी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए 10.2 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10.2 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये फिगर नहीं दी जाती कि आपको इस फिगर को देख के बताना है, ऐसा नहीं है, सिर्फ ऊपर का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने नीचे फिगर जो बना रखी है ये आंसर के लिए बना रखी है ताकि आपको ये चीजें पता रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको फॉर्मेशन विड्थ का मतलब पता चल गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द ट्रेड ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइडेड एन आउटवर्ड स्लोप ऑफ, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो व्हील्स है उसका जो ट्रेड है उसको कितना आउटवर्ड स्लोप दिया जाता है। अब सबसे पहली बात आती है ये ट्रेड का क्या मतलब होता है, अब सबसे पहली बात आती है इस ट्रेड का क्या मतलब है। तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रेड का क्या मतलब होता है। ट्रेड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आप चल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेयर केस है या मतलब जीना जो कि नॉर्मल हाउसेस में होता है, तो ये जो पोर्शन होता है जिसके ऊपर आप पांव रख के चलते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। इसी तरीके से ये जो वर्टिकल पोर्शन है या ऊर्ध्वाधर, इन्हें बोलते हैं हम राइजर। खैर, तो हमें ट्रेड से मतलब है। अब बात आती है जो व्हील्स है उसका ट्रेड क्या है। अब व्हील्स में आप ये देखिए, व्हील्स का जो ये वाला हिस्सा होता है ये रेल के ऊपर के हिस्से पर चलता है। ठीक है, तो हम इसे ट्रेड बोलेंगे। अब ये पूछ रहा है इनको, इस ट्रेड को जो स्लोप दिया जाता है, जो कि यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्लोप दिया हुआ है, इस स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, 1:20 का स्लोप दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यही स्लोप जो आउटर रेल के ऊपर की सतह का होता है ये भी वही स्लोप होता है, जो यहाँ पर एजिंग दी जाती है वो भी 1:20 का स्लोप दिया जाता है। इस स्लोप से क्या होता है, इस स्लोप से जो सेंटर ऑफ मास है ट्रेन का वो बीच में रहता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कह रहा है व्हील्स ऑफ रोलिंग स्टॉक आर प्रोवाइडेड फ्लेंजेस ऑन। अब इसका क्या मतलब है, व्हील्स मतलब पहिए ऑफ रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो रोल करके चलता है, जैसे जैसे ट्रेन हो गई, कार हो गई, इनमें व्हील्स होते हैं और इस व्हील की वजह से ये रोलिंग स्टॉक कहा जाता है। अब क्योंकि आप रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो अभी हम यहाँ पर ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है जो व्हील्स ऑफ रोलिंग स्टॉक है उनमें जो फ्लेंजेस हैं वो कहाँ पर दी जाती है। अब बात आती है फ्लेंज का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर एक आई बीम बना रखी है, तो ये जो बाहर निकले हुए पोर्शन होते हैं ये फ्लेंज का हिस्सा होते हैं। तो ये बात कर रहा है व्हील्स की, व्हील्स में फ्लेंज कहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर व्हील है, आपको ये क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेंज दी गई है। अगर आप रियल पिक्चर देखें तो ये जो पोर्शन है ये एक फ्लेंज है, और ये कहाँ की तरफ दिया गया है, ये इनसाइड अंदर की तरफ दिया गया है, और यही इन्होंने पूछ रखा है, दिस इज बेसिकली इनर साइड। तो ये एक्चुअली ये पूछना चाहते हैं कि आपको एक बेसिक फिगर पता है क्या ट्रेन की,
मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपके बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खैर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कोनिंग ऑफ व्हील इज प्रोवाइडेड, ये मैंने पिछली वीडियो में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन सभी फिगर्स के साथ। पहला ऑप्शन है टू चेक लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील मतलब के दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेल बनाई, ये मैंने रेल की पटरियां बना रखी हैं और व्हील्स इस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन होती है लेंथ की डायरेक्शन इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो मूवमेंट होता है इसे बोलते हैं लेटरल। तो ये कहता है कि जो कोनिंग ऑफ व्हील्स है ये जो साइड में होने वाले मूवमेंट को रोकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, आप इधर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये टर्न ले रही है ये लेफ्ट टर्न लिया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ व्हील दिखाए गए हैं। लेफ्ट की तरफ टर्न करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि बाहर की तरफ लगी इस वजह से ये जो बाहर वाला पहिया है थोड़ा सा बाहर की तरफ खिसक जाता है, लेकिन जो फ्लैंज दिया जाता है जो कि मैंने पिछले वाले उसमें दिया वो इसको बाहर निकलने से रोकता है। ऊपर मैंने एक बात और इसमें ये डिस्कस की जाती है, ये जो कोनिंग ऑफ व्हील्स है इसकी वजह से इनका सेंटर ऑफ मास, ट्रेन का सेंटर ऑफ मास बीच में रहता है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है। मीन्स अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लेट ले रखी है और मैंने इस पर एक बॉल छोड़ी तो ये ऐसे 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 फाइनली यहाँ पर आकर रुक जाएगी। तो सेम केस इसका है, मान लीजिए ट्रेन है अगर किसी वजह से लेटरल मूवमेंट करती है तो थोड़ी देर बाद वो वापस अपने सेंटर में आ जाएगी। दूसरी बात आती है टू अवॉइड डैमेज टू द इनर फेसेस ऑफ रेल, क्योंकि व्हील में क्योंकि इसमें कोनिंग ऑफ व्हील्स दिया जाता है इस वजह से ट्रेन की अपने सेंटर में आने की टेंडेंसी रहती है, इस वजह से जो इनर फेसेस ऑफ रेल है उन पे डैमेज नहीं हो पाता है। तीसरा ऑप्शन है टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू द पैसेंजर, सही बात है कोनिंग ऑफ द व्हील प्रोवाइड किया जाता है तो जर्क होता है जो झटका लगता है वो नहीं लगता, इस वजह से डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता। बहुत ही ग्रेजुअल मूवमेंट होता है साइड टू साइड, तो इस वजह से सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं और आंसर है आपका डी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड टेल्स ऑफ रेल एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर इज डन। अब ये पूछ कह रहा है कि जो रेल को टिल्ट दिया जाता है जो कि जरूरी होता है ट्रेन के मूवमेंट के लिए, उसके लिए एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर इनमें से किस टाइप की रेल में किया जाता है, बुल हेडेड रेल, डबल हेडेड रेल, फ्लैट फुटेड रेल, एनी टाइप ऑफ रेल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा टिल्ट ऑफ रेल क्या है, फिर उसके बाद हम एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर वो समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि रेल्स कौन कौन सी आती है। हमें पता है कि कोनिंग ऑफ व्हील्स दी जाती है, इसके लिए 1:20 का स्लोप दिया जाता है। तो ये जो स्लोप है 1:20 का नीचे मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल यही स्लोप जो रेल की ऊपर की सतह होती है उसका होना चाहिए। अब आपकी रेल होती है इस तरीके की, इसमें तो कोई स्लोप है नहीं, तो इसको सीधा खड़ा रखने की बजाय थोड़ा सा इसे टेढ़ा रखा जाता है ताकि जो इसकी जो ऊपर की सतह है वहां पर कैसा स्लोप आ जाए, 1:20 का स्लोप आ जाए। मैंने ये फिगर थोड़ी सी ज्यादा टेढ़ा करके दिखा दी है समझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये रेल यूज की गई है ये थोड़ा सा वर्टिकल से इसका एंगल कितना है, 1:20 का एंगल है। ठीक है, तो ये टिल्ट ऑफ रेल्स दी गई है, ये किस लिए दी जाती है, ताकि आप कोनिंग ऑफ व्हील को सपोर्ट कर सके। अब बात आती है एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर। अब जो वुडन स्लीपर होता है वो आपका होता है बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 1:20 का स्लोप देना है तो हम इतना हिस्सा यहाँ से काट कर निकाल देते हैं, तो फिर आपके वुडन स्लीपर की शेप कैसी हो जाती है, कुछ इस तरीके की। ताकि इस शेप से क्या फायदा होता है, ताकि जो आपकी रेल है वो ईजीली इसके ऊपर रखी जा सके, ताकि यहाँ पर जो स्लोप बन जाए 1:20 का स्लोप बन सके। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 1:20 का स्लोप दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है एजिंग का क्या मतलब हुआ, ये जो आपने यहाँ पर कटिंग की रखी है, देखो इधर भी कटिंग हो रखी है और इधर भी कटिंग हो रखी है, यहाँ पर 1:20 का स्लोप देने के लिए ये कटिंग की जाती है। अब बात आती है कि किस टाइप की जो रेल होती है उसमें ये कटिंग की जाती है, तो ये जो एजिंग है फ्लैट फुटेड रेल में इस्तेमाल की जाती है। सबसे शुरुआत में जब कभी ट्रेन स्टार्ट हुई थी तब ये इस्तेमाल की जाती थी। आप देख सकते हो इसका जो हेड है और फुट है दोनों की डायमेंशन सेम है, तो पहले के लोग ऐसे सोचते थे कि भाई जब हेड है इसके ऊपर पहिया चलेगा तो हेड ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा,
मतलब इस्तेमाल के साथ ये खराब होता चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करके रख देंगे, तो उल्टा करने के बाद वो ट्रेन इस पर चलती रहेगी। लेकिन उन्होंने जो सोचा था वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब हेड खराब हो जाता है तो फिर वो बैलेंस नहीं बन पाता, आप ये उल्टा करके नहीं रख पाओगे, क्योंकि फुट को तो आप ऊपर नहीं रख सकते। तो उन्होंने क्या किया, चलो हम हेड को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर जो फाइनल है, जो फ्लैट फुटेड रेल है, ये अब चल रही है। अब ये जो फुट है आप देख सकते हैं इसका फुट कितना बड़ा है, ये किस लिए किया गया, और इससे पहले वाली जो दो हैं उनके फुट देख लीजिए, इसका फुट भी छोटा है और इसका फुट ये मतलब नीचे का हिस्सा छोटा है, मतलब कि ये फुट जो कि ज्यादा चौड़ा है ये ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो हम टिल्टिंग ऑफ रेल्स किस में देते हैं, ताकि आप इस टाइप की रेल में, और इसे कहा क्या जाता है, फ्लैट फुटेड रेल। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आगे की वीडियो में आगे के एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।